प्यार च अन्ने नौजवान ने करवाया जेंडर चेंज। प्यार परवान ना चढ़न ते फूक दिती प्रेमी दी कार। सोशल मीडिया ते वैभव अते दीप नू होया सी प्यार। व्याह तक पहुंची सी दोवां विचाले गल। दीप ने करवाया सी अपना जेंडर चेंज। वैभव दे मुकरन ते फूक दिती उस दी कार। ले जा इसको, ले जा। इसने चलाया, मैंने कुछ नहीं चलाया। ले जा इसको, ले जा। इसने चलाया, इसने किया। मेरी रजामंदी कुछ नहीं थी उसमें। रोहन बता तूने क्यों चलाया? रोहन रोहन क्यों चलाया तुमने? ले जा भाई, ले जा, ले जा, ले जा रोहन। जिया दस दिए कि एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पहला तो सोशल मीडिया के उत्ते दोस्ती होंदी है, ते दोस्ती तो बाद जदों गल प्यार दे विच बदलदी है तां प्यार तो बाद गल व्याह तक पहुँच जाती है। पर दोवां नौजवानां दे विचकार एक नौजवान जो दीप सी ओह अपना जेंडर चेंज करवाउणा चाहुंदा सी। हालांकि उसनू वैभव जिस दे नाल उसनू प्यार होया सी उसने भी रजामंदी दित्ती सी कि ओह जदों जेंडर चेंज करवा लवेगा ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਬਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦ ਅਣਬਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਭਵ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੀਪ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਭਵ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਪ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਭਵ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੀਪ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें निर्वाणा रेस्टोरेंट है हमारे श्याम नगर चौकी क्षेत्र में, चकेरी थाने का मामला है। उसमें एक गाड़ी इर्टिका गाड़ी थी जिसपे पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई और वो आग गाड़ी जली। ये रात की घटना थी और इस जो घटना रेस्टोरेंट है, जब ये आग लगी गाड़ी में तो जो रेस्टोरेंट के 3-4 लड़के थे स्टाफ वो खाना खा रहे थे अंदर, उन्होंने बुझाया। इसके बाद ये सूचना पुलिस को आई, पुलिस एक्टिव हुई और इस पूरे घटनाक्रम में जो हम लोग को जो लीड मिली वो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरे लगे हैं, जो कैमरे हम लोग लगवाए जा रहे हैं वो एक बड़ी सफलता रही। कैमरों को खंगाला गया तो लोगों से बात किया गया तो लोगों ने देखता करके पड़ोसियों ने बात बताई कि इनके बेटे का एक मामला इंदौर से चल रहा है, जो इसमें अनूप शुक्ला है उनका एक लड़का है वैभव। ये बात हालांकि उसके परिवार के लोगों ने नहीं बताई, उनके फादर ने भी नहीं बताई, मैं भी गया था मौके पे तो उन्होंने नहीं बताई। हमारे SCP चकेरी, इंस्पेक्टर चकेरी और सभी लोगों ने जब इसको लीड को डेवलप किया तो पता चला कि इसमें एक लड़का है जो दीप करके है इंदौर का, और ये थाने पे आया था। उसने ये कहा था थाने पे आकर के कि हमारा एक मुकदमा लिखा गया है 377 का इंदौर में, और वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर जाँच में आ रहे हैं और पुलिस मदद कर। तो जब ये पूरी हम लोग छानबीन कर रहे थे तो ये बात दरमियान में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ है, क्योंकि हुलिया जो कद काठी थी कैमरे में देखने से वो वही आभास दे रहा था। फिर तत्काल इनके नंबरों की जांच की गई और उस पर लगा गया तो पता चला कि ये लोगों ने जो बताया था कि इंदौर से आए थे, तो ये हुआ कि इंदौर जाने वाली जो बस है उसको ट्रैक किया जाए। तो हमारी जो टीम थी, जो चौकी इंचार्ज विपिन बघेल हैं और बाकी थाने की जो फोर्स है हमारे CEO साहब, करीब यहाँ से रनिया के आसपास 45 किलोमीटर दूर वो बस निकल गई थी। इन लोगों ने उस बस को ट्रैक किया और बस को ट्रैक पे जब वहाँ पे पहुँचे इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट किया। इसका पूरा जो घटनाक्रम, वो घटनाक्रम ये है
कि जो ये दीप है, ये इसका इंस्टाग्राम से इनका जो लड़का है अपना वैभव, उससे अफेयर होता है। अफेयर होने के बाद बातचीत होती है, फिर एक दूसरे के शादी करने का करते हैं। फिर बाद में जो वैभव है उसने अपना पैसा दिया, बता रहे हैं कि 50 से 60-70 लाख रुपए के बीच में ये बात हुई है। फिर उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, जैसा कि आप देख भी रहे। तो जब जेंडर चेंज हो गया और उन्हें बातचीत होती रही, इसी दौरान वैभव को पता नहीं क्या लगा कि उसने मतलब डिनाई किया कि नहीं, अब हम शादी नहीं करेंगे, इस बात पे अनबन हो गई। तो इसका मुकदमा इंदौर में लिखा गया, तो वो उसी में आया था कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पे। और इसको ये था कि इसने हमारे साथ चीट किया है और हमारा साथ वादा खिलाफी की है और मेरे वो किया। तो इसने फिर एक स्कूटी ऑनलाइन बुक की, जैसा आप जानते हैं 500 रुपये में स्कूटी ऑनलाइन बुक हो जाती है, और उसमें स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल भरवाया और फिर इन्होंने प्लान करके उस गाड़ी को जो घर के बाहर खड़ी थी और उस पर पेट्रोल लगाया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक इसमें लड़का है रोहन यादव, जो भी आपके सामने है, इस पर करीब 17 मुकदमे हैं वहाँ इंदौर में, MP में। अभी हमारे पास अभी प्रेस नोट में हमने 8-9 मुकदमे दिए हैं। तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और ये इसके साथ था, वहाँ से आया। रात में हम लोगों ने इंदौर पुलिस से भी कॉन्टेक्ट किया, इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ है इसके मुकदमे। तो मुकदमे जितना हम लोग मुकदमे इसमें हैं, कई तरीके के मुकदमे हैं इसमें, आपके मैंने देखा है PC में, आप देख लीजिए। इसमें आगजनी के भी है, हाँ ये उनको पता था, ये तो मैं कहता ना रजामंदी से था। वो था कि मैरिज करेंगे, मैरिज करने की इसी उम्मीद में इन्होंने भी कराया था, और बाकी डिटेल आपको ये बताएंगे ही ये जो है। लेकिन उसमें जब बीच में इनमें अनबन हुई और उसने किसी बात पे लेके नाइतफाकी हुई और उसने मैरिज करने से इनकार किया, फिर वहाँ से मामला बिगड़ा। और फिर वहाँ से फिर मामला 370 IPC का मुकदमा लिखा गया इंदौर में। और ये इस उम्मीद में आए थे कि इसकी गिरफ्तारी हो वैभव शुक्ला की, और जब इनको लगा कि नहीं नहीं होगा, तो इन्होंने फिर उसका बदला लेने के लिए उसके घर पे रात को ये प्लान किया। संगीन मुकदमे हैं, 17 मुकदमे अपने आप में संगीन हो जाते हैं अगर किसी आदमी का है, इसका मतलब उसका अपराधों की प्रवृत्ति उसकी है। मतलब आप देख लीजिए, इसमें देखा है 327 है, 304 है, 326 है, 110 CRPC के हैं, 60 आबकारी का भी है। ये कैसे संपर्क में आया इसके? अब ये डिटेल इसमें पूछताछ कर रही है, क्योंकि वहाँ का है तो संपर्क में है, और इस बारे में हो गया और पहले से संपर्क।